The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, vitamins. Aap logo ke ghar mein सब लोगों को ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां खाने के लिए बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि आप लोग अपना सैलेड्स खाइए, आप लोग सीड्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, क्यों बोला जाता है? ये विटामिंस क्यों इतने ज़रूरी है और कौन से विटामिंस आपको खाने हैं? ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? ये क्या होता है ये विटामिंस? सो बातचीत शुरू करते हैं. सी, विटामिंस, मिनरल्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपके खाने में होती हैं, जो आपके फूड में होती हैं और ये आपकी बॉडी को चाहिए सही तरीके से काम करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपको डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ तक के आप लोगों के अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स और स्पेशल रोल्स को अता करने के लिए विटामिंस की ज़रूरत होती है, राइट? और आपको विटामिंस मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी की ज़रूरत है बोन्स के लिए, डी नहीं तो बोन्स ख़राब. विटामिन ए की ज़रूरत है आपके आँखों के लिए, राइट, आपके आँखों के नाइट विजन के लिए. विटामिन सी की ज़रूरत है आपके स्किन के लिए, आपकी हीलिंग के लिए. विटामिन बी की ज़रूरत है आपकी बॉडी के एनर्जी के लिए, नसों के लिए, दिमाग के फंक्शन के लिए. सो जैसे ऐसे बहुत सारे विटामिंस हैं जिनकी ज़रूरत है. लेकिन जो डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट है कि विटामिंस वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं. ऐसा, जी हाँ, ऐसा होता है. दो प्रकार के विटामिंस, विटामिन वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, राइट? अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिंस यानी लेते हैं, जिनको बेसिकली जो आपके फैट के अंदर स्टोर हो सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स हैं, राइट, ये मोटे हैं, ये चर्बी है, ये फैट है. सो फैट के अंदर आपके फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो सकते हैं और वो रह सकते हैं काफ़ी समय के लिए आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिंस नहीं रह सकते, राइट? फैट सॉल्युबल विटामिंस बॉडी के अंदर रहते हैं और ये काफ़ी दिनों के लिए रहते हैं और लंबे समय, 6-6 महीने तक स्टोर रह सकते हैं. जब भी इसकी ज़रूरत होती है उन फैट सॉल्युबल विटामिंस की, आपकी बॉडी वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर सकती है, राइट? ये कौन से विटामिंस हैं? विटामिंस ए, डी, ई, के. ए, डी, ई, के है फैट सॉल्युबल विटामिन, बी और सी छोड़ के, राइट? सो ये फैट सॉल्युबल हो गया. वाटर सॉल्युबल विटामिंस डिफरेंट होते हैं, वो फैट में स्टोर नहीं होते, बॉडी में स्टोर नहीं होते. वाटर सॉल्युबल विटामिंस आपको मिलेंगे फैट खाने से नहीं मिलेंगे, वाटर सॉल्युबल चीज़ें खाने में, फ्रूट से मिलेंगे, दूध में मिले हुए मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों में मिलेंगे, राइट? आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, आपको रोज़ खाना पड़ेगा. आपकी बॉडी में जितना इस्तेमाल है उतना इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा यूरिन में निकल जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यूरिन में निकल जाएगा. सो आप जितना यूज़ नहीं करेंगे वो ज़्यादा निकल जाएगा. वाटर सॉल्युबल विटामिंस आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, बाहर निकल जाएंगे जो भी आप एक्स्ट्रा खाएंगे. सो ये कौन से विटामिंस हैं और इनको क्या करना है? तो अगर स्टोर नहीं होते हैं तो रोज़ लेना पड़ेगा आपको, डेली रहना पड़ेगा, वो रुकते नहीं हैं, तो डेली कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए इन चीज़ों का. ये है दो, विटामिन सी, सी फॉर कैट, एंड बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे रहते हैं, B1, B2, B3, B4, फॉलिक एसिड, बायोटीन, पैंथोटेनिक एसिड, कोबालामीन, B12, बहुत सारे आते हैं, B1 to 12. सो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिंस है और आपको वाटर सॉल्युबल विटामिंस डेली लेने होंगे, राइट? और आपको, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक मशीन है, एक पावरफुल मशीन है जो कि बहुत सारी चीज़ें करने के लायक है अपने आप, लेकिन जब विटामिन चाहिए तो उसको हेल्प चाहिए, तो वो खुद से नहीं ले सकती. तब खाने पीने में वो चीज़ें खाना ज़रूरी है जिनमें विटामिंस है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए. और ये विटामिंस उसका जो की है खाने पीने से उनको लेने का, एक ही सबसे बड़ा राज है कि वैरायटी ऑफ फूड खाना है. बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के खाना खाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के खाना पड़ेंगे, तब आपके विटामिंस की नीड पूरी हो जाएगी. वी कैन नॉट स्टिक टू दाल चावल, ऐसा नहीं. वी कैन नॉट स्टिक टू वन थिंग, यू हैव टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? की इज़ टू ईट वैरायटी ऑफ असॉर्टेड विटामिंस चाहिए, बहुत सारे प्रकार के. सो इसलिए कई बच्चों को, कई बड़ों को, कई बूढ़ों को विटामिंस के मेडिकेशंस के, विटामिंस के सप्लीमेंट्स, ड्रॉप्स, कैप्सूल्स, सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं ले पाते, वो नहीं खा पाते, राइट? ताकि वो हेल्दी रहे. नाउ देखते हैं
कि ये सारे विटामिंस क्या है, क्या करते हैं, कहाँ से मिलते हैं, एक एक करके रन फॉरवर्ड करते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं और फिर बातचीत करते हैं क्या क्या है, राइट। नंबर वन, विटामिन ए, ए फॉर एप्पल। विटामिन ए ज़रूरी है आपके आई साइट के लिए, आँखों की रोशनी, नाइट विजन उसके लिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपके अंदर आँखों की रोशनी, नाइट विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी। और उसमें क्या होगा, उसमें आपको कलर देखने में हेल्प होती है, ब्राइटेस्ट येलो से लेके डार्केस्ट पर्पल तक कलर देखने में हेल्प होती है। और ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को इन्फेक्शंस फाइट करने में भी, इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन ए बहुत आवश्यक है। सो विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा दूध से, मिल्क से, फोर्टिफाइड जो जिसमें विटामिन ए फोर्टिफाइड होता है, ऑरेंज फ्रूट्स, ऑरेंज सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल जैसे कैरट्स, गाजर, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे केल, स्पिनच, पालक, केल, वैसे उससे उन चीज़ों से मिलेंगी। और ऑर्गन मीट से मिलेगा, लिवर जो खाते हैं, लिवर कलेजी, उससे मिलता है। ये हुआ ए। फिर बी, बी विटामिंस में बहुत सारे हैं, हमने बताए B1, B2, B6, B12, सियान, राइट, नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटिन, पेंथ्रोटिनिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा ग्रुप है। बी विटामिंस इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिकली, आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, पाथवेज, इन सब के लिए बी विटामिंस की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी निकालते हैं आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस से, तो बी विटामिंस के बगैर आप बिल्कुल वीक फील करेंगे, लो फील करेंगे, दिक्कत फील करेगी। और अगर आप रन कर रहे हो, आप नहीं दौड़ पा रहे, बी विटामिंस की कमी हो सकती है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है खून बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, हर पार्ट आपकी बॉडी का, लिटरली हर पार्ट को B12 की ज़रूरत होती है। इसीलिए B12 रेली खाना ज़रूरी है। B12 किस में है, राइट, बी विटामिंस में B12 जो है वो सिर्फ एनिमल फूड्स में है, बाकी कुछ प्रकार के जो बी दूसरे B1, B2, B3 अलग अलग फूड में हो सकता है। हम अभी पूरी की पूरी बी ग्रुप की बात करेंगे तो आपको फिश, सी फूड, पोल्ट्री, मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें सारे के सारे हैं, राइट। और B12 छोड़ के दूसरी चीज़ें कहाँ मिल जाएगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगी, बीन्स में, पीज में मिल जाएगी, सोयाबीन में भी सारे हैं, सोयाबीन में भी सारे हैं, और होल ग्रेन फूड जैसे ओट्स और वीट्स, ओट और वीट उसमें भी B12 छोड़ के बाकी सब हैं, तो B12 यहां से मिल सकता है आपको। तो डेली इसमें से कुछ ना कुछ खाना है। फिर आपको खाना पड़ेगा विटामिन सी। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी टिश्यूज के लिए, बॉडी टिश्यूज के लिए, जैसे कि गम्स, आपके गम्स हो गए, आपके बोन्स हो गए, आपके खून की नसें हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, आपके सी कोलेजन बनता है उससे, राइट। सी भी की है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपकी बॉडी में कोई कट होता है, कोई वुंड होता है, तो विटामिन सी की वजह से वो जल्दी हील होता है। सी की कमी होगी तो सही से हील नहीं होगा, गड्ढा आएगा, ज्यादा होगा तो स्कार आएगा। सो कोलेजन इज अ बिग थिंग इन दैट, राइट। विटामिन सी इन्फेक्शन को भी हेल्प करता है, वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ बहुत बड़ा रोल है विटामिन सी का। आप विटामिन सी वायरल इन्फेक्शंस के लिए जोरदार तरीके से ले सकते हैं, एंटीवायरल काइंड ऑफ काम करता है और आपको बीमारी से बचाता है, राइट। आपकी बॉडी के अंदर वो डिफिकल्ट बना देता है वायरस बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर सके इसके लिए। सो सी कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी फॉर कैट कहाँ से मिलेगा, सिट्रस, सी फॉर सिट्रस, सिट्रस फ्रूट से मिलेगा, ऑरेंजेस, लेमन, ये सब ऑरेंज 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 ना, नींबू, नारंगी, व्हाटएवर, सतरंगी, कैंटालोप से मिलेगा, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ब्रोकली, कैबेज, कीवी फ्रूट, स्वीट रेड, बेल पेपर, बेल पेपर से मिलेगा, शिमला मिर्ची से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, डी फॉर डॉग, लेकिन डी फॉर क्या है, बोन्स, जी हाँ, अगर डी की कमी है तो बोन्स अच्छी नहीं रह सकती है, सिंपल एज अ पिंपल, राइट। डी चाहिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन डी स्ट्रांग बोन्स के लिए चाहिए, स्ट्रांग टीथ्स के लिए चाहिए, आपके मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, बोन से अंदर कैल्शियम के लिए चाहिए, इवन स्किन के लिए, स्किन के लिए, और स्किन से ही मिलता है विटामिन डी, ज़्यादातर सनलाइट से मिलता है, आप सन से एक्सपोजर करते हैं, सनलाइट से आपको मिलता है विटामिन डी, राइट। तो कितना देर चाहिए, 15 मिनट हफ्ते में 3 बार, सुबह सुबह की धूप में बढ़िया जाओ, विटामिन डी लो, सबसे अच्छा सोर्स उसी का वही है। उसके अलावा फूड में क्या सोर्स हैं, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड होता है अगर विटामिन डी से, तो फिश, एग, योक पीले पार्ट में, इसलिए एक या दो एग योक खाना चाहिए, और लिवर जो ऑर्गन मीट खाते हैं, कलेजी, और फोर्टिफाइड सीरियल, सीरियल जो आते हैं वो सीरियल जो दूध में डाल के खाते हैं, उसमें फोर्टिफाइड विटामिन डी हो सकता है। सो ये विटामिन डी, विटामिन ई, ई बॉडी को चाहिए, एंड एवरीबॉडी नीड्स विटामिन ई, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है आपके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सेल्स के लिए, उनके टिश्यूज को डैमेज से बचाने के लिए, आपकी हेल्थ, रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ के लिए विटामिन ई ज़रूरी है, राइट।
और विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? फूड ग्रेन से, जैसे कि वीट ओट्स हो गए, वीट जम हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग योक में भी होता है, नट्स में होता है, सीड्स में होता है विटामिन ई, ई फॉर एलिफेंट ई. फिर विटामिन के, के कहाँ से मिलेगा? के क्यों है? के इज क्लॉट मास्टर, क्लॉटिंग का मास्टर, मतलब ब्लड क्लॉट होगा, के ज़्यादा होगा तो ब्लड क्लॉट होगा, के कम होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. रिमेंबर लास्ट टाइम आपको कट आया था, आपकी ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो वो क्लॉटिंग होती है, के उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. सो अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ये ग्लू जैसा काम करता है जो सरफेस पे कट ब्लीडिंग रोक देता है. सो के कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रोकली और सोयाबीन, सोयाबीन के ऑयल से भी मिलेगा. सो ये सारे विटामिंस की ज़रूरत है. व्हेन योर बॉडी गेट्स दीज विटामिंस देन एंड जो दो अदर चीज़ें, दूसरी मिनरल्स चाहिए, तो ही सिर्फ, तभी सिर्फ आप एकदम ए ओके, एकदम परफेक्ट फिट फाइन रह सकते हो. अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो तो जो जो चीज़ ये कंट्रोल करते हैं उनमें आएगी प्रॉब्लम, उनमें आएगी दिक्कत, आपको आएगी सिम्टम्स और परेशानी. सो ये हुई बात विटामिंस की, फैट सॉल्युबल विटामिंस, वाटर सॉल्युबल विटामिंस, उसमें क्या डिफरेंस, क्या लेना देना. ए डी ई के, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, के फॉर काइट, इज फैट सॉल्युबल, स्टोर होते हैं. बी एंड सी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वाटर सॉल्युबल. ठीक है, इतना याद करिए, ये लेके जाइए घर पे मैसेज, और जो भी कोई सवाल है तो जरूर लिखिए, यहां पर हम जवाब देने के लिए तात्पर हैं. राइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.